हेलो नमस्कार किसान भाइयों, वीएस एग्री हेल्पिंग चैनल के माध्यम से मैं वीरेश सर के आज आपको फिर से आपको नमस्कार राम राम सभी किसान भाइयों को धन्यवाद। क्योंकि आप हमारे चैनल में अगर नए आए तो एक बार वीडियो को भी लाइक करना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तब जानकारी आपको बहुत अच्छी लगेगी। कि मेरा पूरा भरोसा है किसान भाइयों, आज आपको बहुत ही स्पेशली तरीके से मैंने आपको जानकारी ढूंढ के और आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि एक बहुत ही अच्छे फंजीसाइड और इंसेक्टीसाइड के बारे में, और उस प्रोडक्ट के बारे में, और उसकी डोज के बारे में, और एक अपना इसमें टॉपिक रहता है चोरी छिपे टॉपिक। चोरी छिपे टॉपिक में दोस्तों कुछ अलग हटके हम जानकारी देते हैं और इसमें कुछ स्पेशली जानकारी रहती है, तो उसमें हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे प्रोडक्ट की जिसका एक नाम है और तीन काम है। किसान मित्रों, नाम एक और तीन काम, ऐसा क्या प्रोडक्ट है? चलिए जानते हैं आज कैस्केड के बारे में। कैस्केड सोल कंपनी का होता है किसान मित्रों। इसका दूसरा आपको यूपीएल कंपनी का इलेक्ट्रॉन भी मिल जाएगा। सेम ही टेक्निकल है, एक ही कंडीशन है। नंबर एक पे बात करते हैं इसमें टेक्निकल क्या क्या है किसान मित्रों। इसमें ओजोक्सिस्टोबिन 2.5% में, जो कि एक सिस्टमेटिक इंसेक्टीसाइड है। थाइपोनेट मिथाइल 11.25% में, जो कि एक सिस्टमेटिक प्लस ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड है। तीसरा इसमें थाइमोथॉक्सम 25% एफएस फॉर्मुलेशन में, जो कि एक सिस्टमेटिक इंसेक्टीसाइड है। किस कहने का मतलब किसान मित्रों, इसमें दो सिस्टमेटिक आपको फंजीसाइड दिए गए हैं और एक इसमें इंसेक्टीसाइड दिया गया है, जिसको यूज करने से आपको पौधे को पूरा सेफ मिलेगा। जो आप बीज पे लगाते हैं, बीज को पूरी तरह से ये पावरफुल तरीके से ये उसको फंगस को आने से या फिर इंसेक्ट को आने से रोकेगा। ठीक है, तो बात करते हैं किसान मित्रों की, आप जब इसको सीड पे ट्रीटमेंट करते हैं तो दोस्तों जितने भी बीज जनित रोग होते हैं उनको पूरी तरह से ये नियंत्रित करता है, प्लस मिट्टी के अंदर जो हमारे रस चूसक या फंगस होता है उसको भी ये कंट्रोल करके रखता है। किसान मित्रों, इसको ट्रीटमेंट करने से बहुत ही अच्छे बेनिफिट मिलते हैं। आप बीज पे इसको इस्तेमाल जरूर करें। कोई भी आप सीड लगा रहे हैं, आप किसी भी सीड पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि बात करें दोस्तों, आप आलू की फसल पे कर सकते हैं, सोयाबीन की फसल पे कर सकते हैं, सोयाबीन के बीज पे कर सकते हैं, और आप मिर्च के बीज पे कर सकते हैं, या फिर आप गेहूं के बीज पे कर सकते हैं, धान के बीज पे कर सकते हैं, मतलब आल किसी भी आप बीज पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, हम ज्यादा लंबी बात नहीं करते हुए अब बात करते हैं दोस्तों इसके डोज के बारे में। किसान मित्रों, इसको अगर आप सी ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो इसका आपको 100 ml प्रति 10 किलो बीज के लिए पर्याप्त तो हो जाता है। कहने मतलब आपको 10 ml आपको 1 किलो बीज के लिए पर्याप्त तो हो जाता है। ठीक है, और बात करें तो किसान मित्रों की, आप सी ट्रीटमेंट कर ही रहे हैं तो किसान मित्रों मैं आपको पूरा आपको वीडियो में दिखा रहा हूं लेवल, क्योंकि सभी बीज पे अलग अलग होता है रिकमेंड, क्योंकि किसी पे थोड़ी सी कम भी है डोज, किसी पे ज्यादा भी है। तो किसान मित्रों, मैं आपको पूरा डोज दिखा रहा हूं, इस तरह आप इसको ट्रीटमेंट कीजिए। वीडियो में मैं बताऊंगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, लेकिन अब बात करेंगे दोस्तों तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरी बात कर लेते हैं कि आप इसको ड्रिंचिंग में भी यूज कर सकते हैं। ड्रिंचिंग में जैसे बोले तो चोइया में आप यूज कर सकते हैं। चोइया जैसे कि आप मिर्च लगा रहे हैं, टमाटर लगा रहे हैं, तो उसमें आप ड्रिंचिंग में यूज कर सकते हैं। ड्रिंचिंग में यूज करने से आपको बहुत ही अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे, कि ड्रिंचिंग में जब आप यूज करेंगे तो आपकी जड़ों पे कोई भी फंगस का अटैक नहीं होगा। फंगस का अटैक होगा तो उसको पूरी तरह से कंट्रोल कर लेगा, प्लस इंसेक्ट को भी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लेगा। ठीक है, तो इसको आप साथ में लगाएंगे तो बहुत ही जानदार आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो ड्रिंचिंग में इसको जरूर लगाइएगा किसान मित्रों। इसको ड्रिंचिंग में आपको क्या डोज देनी है? ड्रिंचिंग में आपको 2 ml पर लीटर के हिसाब से आपको डोज देनी है। कहने का मतलब अगर आप 1 एकड़ में आप 200 ml पानी लगा रहे हैं तो आपको 400 ml कैस्केड की या इलेक्ट्रॉन की आपको आवश्यकता होगी। ठीक है, इसका घोल बना के और इसकी आप ड्रिंचिंग अच्छी तरीके से कर दीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों चोरी छिपे टॉपिक के बारे में। चोरी छिपे टॉपिक की बहुत ज्यादा हमारे किसान मित्रों को जरूरत रहती है और बहुत ही ज्यादा बेचैन भी रहते हैं, क्योंकि चोरी छिपे टॉपिक में हम कुछ अलग हटके बताते हैं। आज के चोरी छिपे टॉपिक में हम बताएंगे कि अगर आप कैस्केड या इलेक्ट्रॉन को अलग से बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, कैसे तैयार करेंगे। तो किसान मित्रों, आपको ओजोक्सिस्टोबिन एम स्टार में मिल जाएगा, जो कि 23% ऐसी फॉर्मुलेशन में आता है, और थाइपोनेट मिथाइल आपको रोको में मिल जाएगा, जो कि बायोस्टेट कंपनी का आता है, 70% WP फॉर्म में आता है,
और थाइमेथोक्सम आपको जो कि 25% इलेक्ट्रॉन में मिल रहा था, इसमें आपको रेनो में आपको 30% FS में मिलेगा जो कि यूपीएल कंपनी का आता है। ठीक है, तीनों को आप मिक्स करके एक आप कैस्केड या फिर इलेक्ट्रॉन बना सकते हैं। अब आपको दोस्तों इसकी डोज क्या क्या देनी है, अगर आप एमिस्टार ले रहे हैं, एमिस्टार को 200 ml लेना है, रोको थाइपोनेट मिथाइल ले रहे हैं तो आपको 550 ग्राम लेना है, और रेनो थाइमोथॉक्सम एफएस ले रहे हैं तो आपको 250 ml लेना है, जो कि आपका 1 लीटर बन के तैयार हो जाएगा। अब आप इसको पूरी तरह से ये इलेक्ट्रॉन या फिर आप कैस्केड बोल सकते हैं बनके तैयार हो चुका है। अब इसका आप सी ट्रीटमेंट या ड्रिंचिंग के यूज कर सकते हैं। दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप ड्रिंचिंग में इसको यूज कर रहे हैं कैस्केड या इलेक्ट्रॉन को, तो उसके साथ में आपको एक और अच्छा मैं आपको बता रहा हूं जो कि रूट्स को डेवलप के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है, यूमिक एसिड 95% या 98% में ले लीजिए। उसको साथ में जब मिक्स करके डालते हैं तो किसान मित्रों उसकी रूट्स बहुत अच्छे से डेवलप होती हैं और पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो स्पीड से बढ़ने लगती है। तो इसको आप समथिंग 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से इसको डालिएगा। जब आप कैस्केड डाल रहे हैं 2 ml पर लीटर के हिसाब से, और इसको भी 2 से 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप इसको डाल दीजिए, जिससे कि आपके जड़ों का बहुत तेजी से विकास होगा, जिससे पौधा आपका बहुत अच्छी वृद्धि करेगा, कलर भी बहुत अच्छा होगा और आपकी जड़ों का बहुत अच्छा विकास होगा। ठीक है, तो आप इसको मिक्स करके आप इसके साथ में टैंक में मिक्स कर लीजिए, घोल अलग बना के और टैंक में मिक्स करके और इसको डाल दीजिए। ह्यूमिक एसिड का दोस्तों मिट्टी प्लस पौधे दोनों पे ही काम करता है, जड़ों का बहुत अच्छी तेजी से विकास करता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को बढ़ाता है और ब्रांचिंग अच्छी होती है, पत्तियां हमारी चौड़ी होती है, इस तरह इसका मेन रोल रहता है। ठीक है, दूसरा किसान मित्रों एक और कंडीशन रहती है, मैंने कहा था चोरी छिपे टॉपिक में स्पेशली बातें बताते हैं हम। दोस्तों बारिश की वजह से हमारी जो कोर होते हैं, हमारी जो नालियां होती है वो बहुत मिट्टी टाइट हो जाती है। जब आप मिर्च लगा देते हैं तो और मिट्टी उसकी टाइट हो जाती है तो बहुत बड़ी दिक्कत आती है। उसके लिए आप मिट्टी में आप किसी अच्छे उसको पीजीआर को डालिएगा। पीजीआर का मतलब किसान मित्रों, मेरा कहने का मतलब था कि आप किसी अच्छे उसको ग्रोथ प्रमोटर को डालिएगा, जिससे आपके जो मिट्टी है मिट्टी फोक हो जाए। उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना के दूंगा उसके लिए। और किसान मित्रों अभी जब बारिश से आपकी मिट्टी टाइट हो जाती है तो आपका पौधा पौधा होता है, पौधे की जड़ें विकास नहीं कर पाती। तो सबसे पहले किसान मित्रों उसकी नराई करा दीजिए, मिट्टी को फुड़वा दीजिए, मिट्टी को थोड़ी अच्छी तरीके से उसको फुटाव कराइए। ठीक है, और अगर ये काम नहीं हो पा रहा है तो किसान मित्रों आप फटाफट से आपकी उसके जो पौधा है पौधे के चारों ओर घेरा बना दीजिए, यानी मतलब उसके जो मिट्टी पौधा है पौधे के चारों ओर किसी तार से आप उसको हल्के हल्के छेद कर दीजिए, या फिर आप उसको चारों तरफ नराई टाइप का कर दीजिए, जिससे कि उसकी पपड़ी फोड़ दीजिए, उसकी जो पौधा है पौधे के चारों तरफ पपड़ी को फोड़ दीजिए किसी तार से, या फिर आप कोई भी चीज ले सकते हैं उससे आप पपड़ी को फोड़ दीजिए, उसके बाद में आप ड्रिंचिंग कीजिए। ठीक है, उसके बाद में आप चोइया लगाएंगे तो वो पौधे की जड़ों के पास ही रहेगा। अब ऐसे आप जब ऐसे ही लगाते तो वो मिट्टी के ऊपर से फिसल जाता है और वो नीचे रपक जाता है, वो पौधे को बहुत कम मिल पाता है। ठीक है, तो इसलिए आप पहले मिट्टी की पर को जो परत है उसको फोड़ ले दी फोड़ लीजिए। मिट्टी की परत को जब तोड़ देंगे तब आप उसको ड्रिंचिंग करेंगे तो आपको पूरा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह आपको करना है दोस्तों। तो आज की हमारी जानकारी कैसी लगी, चोरी छिपे टॉपिक में आपको जानकारी हमने कैसी दी, और आपको वीडियोस हमारी कैसी लगती हैं एक बार लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताइए। और कोई जानकारी चाहिए हमारी वीडियो के कमेंट में डालिए, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। चलिए किसान भाई, मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ में।